मोदी जी की केंद्र सरकार दिल्ली के बीचों बीच, जिसको ल्यूटेंस दिल्ली भी कहा जाता है, नई दिल्ली का जो इलाका है, सरोजनी नगर, नारोजनी नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नेताजी नगर, ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका है, इसके अंदर एक रीडेवलपमेंट का प्लान लेके आई है, जिसके अंदर इन कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा और बहुमंजिली इमारतें बनाई जाएंगी। किनके लिए? मंत्रियों के लिए और बड़े बड़े अफसरों के लिए और राजनेताओं के लिए, उनके लिए यहाँ पे फ्लैट बनाए जाएंगे। और इन फ्लैट्स बनाने की खातिर दिल्ली के इस इलाके में 17,000 पेड़ काटे जाएंगे, 17,000 पेड़। जब मैंने पहली बार ये फिगर देखी तो मुझे लगा कि शायद गलती से छपा होगा, 1700 पेड़ होंगे, मगर जब मैंने चेक कराया तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगभग 17,000 पेड़ केंद्र सरकार काटने की तैयारी में है और उसमें से कई हजार पेड़ काट चुके हैं। ये रीडेवलपमेंट प्लान केंद्र सरकार ने बनाया है और केंद्र सरकार के काबिल मंत्री हरदीप पुरी वो इसकी वकालत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरदीप पुरी एक रिटायर्ड बाबू हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, और हरदीप पुरी जी ने ही मेट्रो का किराया जब दुगना किया था तो सब लोगों को ये कहा था, हमारे मुख्यमंत्री तक को ये कहा था, नहीं आप नहीं जानते, हमने सारे चीजों के बारे में सोच लिया है। मगर उनके दावों के बावजूद मेट्रो का जो राइडरशिप है वो 5,00,000 मेट्रो राइडरशिप गिर गया है, मेट्रो घाटे में चला गया है। उन्हीं हरदीप पुरी जी जो हैं, पुराने बाबू हैं, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के रास्ते से मंत्री बन के आए हैं, अब उनको दिल्ली को बर्बाद करने का उनके पास ये प्लान है कि वो दिल्ली के अंदर 17,000 पेड़ काटेंगे। किदवाई नगर के इलाके में 1,123 पेड़ काटे जाएंगे, नेताजी नगर के इलाके में 2,294 पेड़ काटे जाएंगे, नरोजी नगर के इलाके में 1,454 पेड़ काटे जाएंगे, मोहम्मदपुर के इलाके में 363 पेड़ काटे जाएंगे, और सबसे बड़ा जो बम है ये सरोजनी नगर के इलाके में, जो हमारे मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वहां गिराने वाले हैं, जहां पे 11,000 पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि कोई भी हाउसिंग पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है या कोई भी सरकार बनाती है तो उसके अंदर कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखती है कि आप लाखों लोगों को दिल्ली के उस इलाके में बसाने की बात कर रहे हो जो इलाका ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है। ये इलाका पूरा का पूरा वीआईपी इलाका है, एम्बेसीज हैं, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, सब यहीं पे है, और यहां पे लाखों लोगों को नई तरीके से बसाने की आप बात कर रहे हैं। वहां पे जहां पे इस वक्त पानी की भारी कमी है, सीवेज जो निकलता है उसकी ट्रीटमेंट की अभी ऑलरेडी परेशानी है, ये लाखों नए लोग यहां पे आके बसेंगे और बड़े बड़े अफसर बसेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी दो दो गाड़ियां हर परिवार की यहां पे आएंगी, वो गाड़ियां इन्हीं रोड्स के ऊपर आएंगी, यहीं के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग और ज्यादा चोक करेंगे। क्या दिल्ली सरकार से इसके बारे में बात की? क्या जल बोर्ड से बात की?